रेवती ने सलमान खान के साथ फिल्म लव की थी, लेकिन दोबारा वो किसी फिल्म में सलमान खान के साथ नजर नहीं आई। सलमान खान के साथ जब रेवती ने फिल्म की थी तब वो शादीशुदा थी और इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। हालांकि उनकी शादी भी नहीं चल सकी और उनका तलाक हो गया था, लेकिन 48 साल की उम्र में माँ बनने की खबर देकर रेवती ने सबको हैरान कर दिया था। रेवती ने अभिनेता, सिनेमाटोग्राफर व डायरेक्टर सुरेश चंद्र मेनन से साल 1986 में शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया था और 2002 में दोनों अलग हो गए। रेवती और सुरेश ने तलाक के बाद फिल्मी दुनिया से एक लंबा ब्रेक ले लिया था और दोनों ही लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हो गए थे, लेकिन तलाक के बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया था। लेकिन उस समय रेवती लाइमलाइट में आ गई थी जब उन्होंने अपने 48वें जन्मदिन पर अपनी बेटी संग एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि वो माँ बन गई है। रेवती ने बताया कि उनकी बेटी जैविक संतान है। रेवती IVF के जरिए गर्भवती हुई थी और अपनी बेटी को जन्म दिया था। रेवती का कहना था कि उनका सपना था कि वो माँ बने और उन्होंने इसे पूरा भी कर लिया और अब उनकी बेटी भी 5 साल की हो चुकी है। वैसे आपको रेवती कैसी लगती है हमें कमेंट में जरूर।